मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम आकाश श्रीवास्तव। टुडेस टॉपिक इज आवर फैमिली। दिस चैप्टर इज फॉर क्लास 3rd ओनली। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1st ऑफ EDS, आवर फैमिली। ओके, लेट्स बिगिन फॉर क्लास 3rd चैप्टर नंबर 1st, आवर लविंग फैमिली। बट नेम इज आवर लविंग फैमिली, हमारा प्यारा परिवार। फैमिली के बारे में सबको जानता है, सभी को पता है फैमिली क्या है, कि हम सभी फैमिली में रहते हैं, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में अगर बात करते हैं तो फैमिली का एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड रोल होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली हमारे लाइफ में। मतलब बिना फैमिली के अगर आप इमेजिन करो लाइफ को, तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, या अगर होता भी है तो उस तरीके से लाइफ नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। फैमिली के साथ ही जीवन का आनंद है, जीवन जो है वो मीनिंगफुल है, लाइफ आपकी मीनिंगफुल है फैमिली के साथ में ही। विदाउट फैमिली नथिंग, कुछ भी नहीं है जीवन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैमिली चैप्टर हमारी है आवर लविंग फैमिली। तो बात करते हैं फैमिली होता क्या है, फैमिली का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। ओके, सो अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड मतलब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। लोगों का एक ऐसा ग्रुप होगा जिनमें हर एक मेंबर जो होगा वो एक दूसरे से अगर रिलेट करेगा, ठीक है, एंड लीव और रहता रहते हैं साथ साथ, टुगेदर इज कॉल्ड अ फैमिली, उसी को फैमिली कहते हैं। मतलब जहां पे लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनमें जो लोग हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हैं, उनका आपस में किसी तरह संबंध है, ठीक है। तो और जब वो एक साथ रहते हैं तो उसी को हम फैमिली कहते हैं। ऐसा नहीं ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर रह रहे हैं तो वो फैमिली हो गई, नहीं। जब तक उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तब तक वो फैमिली माना नहीं जाएगा, उसको फैमिली कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हॉस्टल में है तो 4-5 लोग एक साथ एक रूम में रह रहे हैं, तो देयर आर फैमिली, वो फैमिली नहीं है। भले ही वो रह रहे ग्रुप में, वो फैमिली नहीं है। आप रहते हो, आप जहाँ रहते हो घर में रहते हो तो आपकी मम्मी है, पापा है, भैया है, दादी है, दादा है, तो ये सभी जो लोगों का ग्रुप है इनमें कोई रिलेशन तो नहीं है। जैसे दादाजी हैं, दादी जी हैं आपकी, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, मतलब तो एक रिलेशन है, आप उनके बेटे हो, ठीक है। तो ये जो है ये रिलेशन है, और जो रिलेशन साथ में होंगे मतलब उनके बीच में किसी तरह का रिलेशन होगा, वो रिलेट करेंगे तभी वो फैमिली कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो उस ग्रुप को फैमिली कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें जाननी है कि फैमिली कब होगी, जब लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है। मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, मेंबर्स ऑफ फैमिली लव ईच अदर, हेल्प ईच अदर इन एवरी वर्क, ठीक है। हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं जब भी जरूरत होती है। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जरूरत पड़ने पर फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और अगर कभी कंडीशंस क्रिटिकल होती हैं, ठीक है, मतलब कि जब कंडीशन ऐसी होती हैं कि आप के पास प्रॉब्लम आ जाती हैं या आप प्रॉब्लम फंस जाते हो, तो वो जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के ना, वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, ठीक है, वो उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करते हैं। तो फैमिली का होना बहुत जरूरी है। अगर फैमिली के फैमिली नहीं होगी, आप अकेले होंगे, तो जब आप प्रॉब्लम में फंसेंगे तो सभी प्रॉब्लम्स को आपको खुद ही डील करना होगा, कोई आपके साथ सपोर्ट करने नहीं होगा। फैमिली रहते हैं तो फैमिली के हर एक मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं दूसरे की, ठीक है, और उनको जब भी कंडीशंस क्रिटिकल होती हैं, ठीक है, तो वो साथ में सपोर्ट करने के लिए आते हैं। जब भी आप बहुत खुश होते हो, आप कुछ अचीव कर लेते हो, तो आपके अचीवमेंट्स में भी वो एंजॉय करने आते हैं, आपको और खुश करते हैं, ठीक है, आपको इस तरह फील कराते हैं। तो ये इसलिए फैमिली जो है बहुत ही अलग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो फैमिली है बेटा, वो हर जगह फैमिली सिमिलर नहीं मिलती, मतलब डिफरेंट तरह की फैमिली आपको मिलती है, ठीक है। फैमिलीज आर नॉट सिमिलर टू एवरीवेयर, क्यों, क्योंकि हम जहां जहां रहते हैं
हमारा जो हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के लोग जो है उनका अलग अलग कल्चर है, तो इस तरीके से फैमिली भी हमें अलग तरह की मिलती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं काइंड ऑफ फैमिलीज की, फैमिलीज के प्रकार कितने तरह की फैमिली सकती है। तो देखो आपने तो पढ़ा होगा बेसिकली दो तरह की फैमिली पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, यहाँ पे एक और सिंगल पैरेंट फैमिली, ठीक है। फर्स्ट क्या है न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड क्या है ज्वाइंट फैमिली, थर्ड क्या है सिंगल पैरेंट फैमिली। हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलते हैं। अ फैमिली दैट हैज पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन, ठीक है। एक ऐसा परिवार जिसमें पेरेंट्स होते हैं, मतलब माता पिता होते हैं और उनकी एक या दो बच्चे होते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अ फैमिली इन विच देयर आर पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, ओके, और अ स्मॉल फैमिली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली जो होती है, न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। कैसे कि मान लो एक फैमिली में एक पेरेंट्स जो आपके हैं या आपके दो से ज्यादा भाई बहन हो गए, ठीक है। जैसे कोई फैमिली यहाँ पे एक व्यक्ति के जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे बहुत अधिक होते हैं, तीन बच्चे चार बच्चे हैं, तो अगर वो रह रहे हैं साथ में पेरेंट्स के तो वो न्यूक्लियर फैमिली तो है ही, ठीक है, लेकिन वो स्मॉल फैमिली नहीं हो जाएगी, तो उसको हम बिग फैमिली कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, ठीक है, तो भी वो फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक। तो वो फैमिली अक्सर बड़ी, आप या आप सपोज कीजिए कि दो बच्चे पेरेंट हैं, मतलब माता पिता उनके दो बच्चे, ठीक है, और उनके साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रह रहे हैं, एट दैट टाइम भी उसको हम न्यूक्लियर फैमिली ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट वहां से जो स्मॉल फैमिली और टॉपिक रहेगा वो हट जाएगा, वो बिग फैमिली रहेगी। या होता है कि पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे बहुत अधिक होते हैं, तीन बच्चे हैं चार बच्चे हैं, तो भी वो बिग फैमिली ही है, ठीक है, लेकिन वो स्मॉल का नाम नहीं रहेगा वहां पर, वो बिग न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, ठीक। तो आई होप ये वाला टॉपिक जो आपका है न्यूक्लियर फैमिली वाला वो क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली की, उसे पहले कर दीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली जो होती है बेटा ये आपको बड़े शहरों में मिलती है, क्योंकि क्या है बड़े शहरों में रश हो जाता है, ठीक है, लोग प्रैक्टिकल लाइफ में पसंद करते हैं, ठीक है, लोग प्राइवेसी चाहते हैं अपनी लाइफ में आजकल, तो वो लोगों का जुड़ना पसंद कम करते हैं, थोड़ी सी कुछ डीमेरिट्स भी इसकी होती हैं और कुछ मेरिट्स भी हैं, ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं कुछ बुराइयाँ भी इन परिवारों की होती, सभी में कुछ अच्छाई कुछ बुराई चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़े शहर आप जाते हैं दिल्ली मुंबई जयपुर, तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियर फैमिली मैक्सिमम देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि शहरों में क्या होता है रहने की जगह कम होती है, तो लोग चाहते हैं परिवार छोटा रहे, एक्सपेंसेस लिमिटेड रहे और वो उन चीजों को मैनेज अच्छे से कर पाए, इसलिए आजकल शहरों में लोग प्रीफर करते हैं न्यूक्लियर फैमिली को, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली इसको हिंदी में बोलते संयुक्त परिवार, स्पेशली इस तरह की फैमिली होती है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ये फैमिली मिलेगी आपको बड़े छोटे गाँव में या छोटे कस्बे जो होते हैं स्मॉल टाउन्स हैं या आपको जो गांव है वहां स्पेशली आपको देखने को ऐसी फैमिली मिलती है, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है जिसमें आपकी फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स आपके साथ साथ आपके कजिन आपके अंकल आपके आंटी ग्रैंड पेरेंट सभी एक साथ रहते हैं, सभी क्या करते हैं एक साथ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। दे ऑल लिव द सेम हाउस, ये सभी एक साथ एक ही परिवार एक ही मकान रहते हैं एक साथ रहते हैं, सभी अपना साथ बनता है, सभी बच्चे जो होते हैं साथ खेलते कूदते बड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह परिवार आपको देखने को छोटे गांव में मिलता है जहां पे प्रीफर कर जहां पे लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो मोस्टली फार्मिंग होता है या फैमिली बिजनेस होता है, मतलब जहां पे लोग क्या करते हैं वो जो घर का बिजनेस होता है लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जॉब प्रीफर नहीं करते हैं लोग या फार्मिंग करते हैं, तो ऐसे जगहों पे आपको इस तरह की फैमिली देखने को मिलती है, ठीक है। अगला है सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है, इस तरह की फैमिली जो है ट्रेंडिंग में दिखती है।
इसका है नेक्स्ट है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली मतलब जिसके एक ही पेरेंट होगा, ठीक है, बच्चों के साथ में बच्चों की देखभाल करने के लिए एक ही पेरेंट होता है, मतलब आइदर फादर और मदर या पिता या माता, दोनों में से कोई एक अवेलेबल होता है, दोनों नहीं होते हैं बच्चों के लिए, तो ऐसी फैमिली को बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। कई बार ऐसा होता है कि फादर नहीं होते हैं बच्चों के या मदर नहीं होती है बच्चे की, तो जो पेरेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं बच्चों को वो खुद ही पालन पोषण करेंगे उनका, वो उनकी केयर खुद ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसी फैमिली को बेटा हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, जहाँ पे या तो मदर या फादर होते हैं जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बच्चों की टेक केयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फैमिली ट्री। नेक्स्ट क्या है, फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री क्या होता है, फैमिली ट्री मतलब परिवार वृक्ष, ठीक है, जैसा एक पेड़ होता है ट्री होता है, इसके इसके रूट जमीन में होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल पूरी तरह से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एक पेड़ को, ठीक है, और उसको फॉर्मली स्टैंड होने में हेल्प करते हैं। वैसे ही फैमिली जो होती है उसकी ट्री है, पूरे की तरह होता है, एक परिवार एक पेड़ की तरह होता है, जिसकी जड़ जो होती है वो स्टार्ट होती है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है। इनके ये जो संस्कार जो होते हैं बेटा, इनकी ही जो मोरल होते हैं, इनकी जो एटीट्यूड्स हमें सिखाते हैं, यही हमें सोसाइटी में बड़े होने के लिए और चीज़ों को प्रॉब्लम को फेस करने में हेल्प करते हैं, हमें एक अच्छा ध्यान रखते हैं। ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के साथ में इनके बाद आता है फादर मदर, आपके फादर मदर के आप और आपके ब्रदर सिस्टर, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनके और बच्चे जो होते हैं वो आपके अंकल होते हैं, अंकल आन उनके जो बच्चे होते हैं वो आपके कजिन होते हैं, और उनके बच्चे और आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है उनके बच्चों को, तरह से ये ट्री की तरह चलता जाता है, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाता है, जनरेशन वाइज ये आगे बढ़ता जाता है, इसलिए बोलते हैं फैमिली ट्री। तो फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी हम मतलब मोरलिटी सीखते हैं, मोरलिटी सीखते हैं वो सबसे फैमिली सिखाती है, स्कूल तो बाद में सिखाता है, सबसे पहले हमें परिवार से डिसिप्लिन मैनर एटीट्यूड्स वगैरह सीखने को मिलते हैं। आपकी फैमिली बताती है कि वो भी बड़ा मिल जाए तो नमस्ते करते हैं, उसके पैर छूते हैं, उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, मॉर्निंग विश करते हैं, जैसा टाइम मिलते हैं, इसी तरह परिवार सिखाता है, परिवार बताता है बेटा कैसी अगर कंडीशन आएंगी अगर आप फेस करेंगे, प्रॉब्लम्स अगर आप लाइफ में आती है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो इसलिए फैमिली को हम पहला स्कूल भी कहते हैं, बी कॉल्ड फैमिली एज फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट फैमिली टीच अस, ओके बेटा, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फैमिली टीच अस, परिवार हमें क्या सिखाता है, एक परिवार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इतनी अगर इम्पोर्टेंस हमने पढ़ ली फैमिली के बारे में, तो आखिर जरूरत क्यों है फैमिली की, क्या जरूरत है कि हम परिवार के साथ ही रहें, या एक बच्चा परिवार में रहता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो क्या क्या सीख पाता है, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज सीखते हैं हम फैमिली के साथ में, ठीक है, टू बी काइंड, दयालु होना सीखते हैं, किसके लिए, लोगों के लिए, जीवों के लिए, हर किसी के लिए, टू बी हेल्पफुल होना सीखते हैं, किसी को जरूरत पड़े तो हम रेडी हो हेल्प करने के लिए, क्यों, क्योंकि यह चीजें सीखते हैं हम देख करके, जब फैमिली में देखते हैं कि किसी को प्रॉब्लम हुई, दूसरा मेंबर दौड़ के आया, उसकी हेल्प किया, तो ये चीजें सिखाते हैं हमें भी, कभी हम जरूरत को हम सीखें, हम दौड़ के तैयार रहें हेल्प करने के लिए, ऐसा ना हो कि हम बैठ के वेट कर रहे कोई और आएगा हेल्प करा जाएगा इसकी, ऐसा नहीं, टू बी डिसिप्लिन्ड होना सीखते हैं, अनुशासन बहुत जरूरी है, विदाउट डिसिप्लिन यू कांट बी एनीथिंग, कुछ भी नहीं सकते आप, कुछ भी बनने के लिए बड़ी चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन होना जरूरी है लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी सीखते हैं, ठीक है, क्या सीखते हैं, ईमानदारी सीखते हैं, ऑनेस्टी सीखते हैं,
ठीक है, अगर आपके ईमानदारी नहीं है, आप बेईमानी करोगे, आप चीटिंग करोगे, तो आपकी कहीं भी वैल्यू नहीं की जाएगी, आपकी को आपको कोई कभी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो ये सारी चीजें हमें फैमिली सिखाती है, और सिखाती है बीइंग टुगेदर, एक साथ रहना सिखाती है फैमिली। हम जब फैमिली में होते हैं तो फैमिली में हम एक साथ रहते हैं, साथ साथ मेंबर खेलते कूदते हैं, ठीक है, बच्चों अपने बड़े होते हैं, साथ में खाना खाना, साथ में पढ़ाई करना, साथ में प्रोग्राम्स देखना, ठीक है, साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना, प्रॉब्लम्स को शेयर करना, ये सब फैमिली सिखाती है हमें, ठीक है। फैमिली में है प्रॉब्लम्स आई, हम शेयर करते हैं, सब लोग मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आपको ट्रबल कम होता है, आप अकेले रहोगे ट्रबल फेस करोगे, प्रॉब्लम्स फेस करोगे, फैमिली में रहोगे तो वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं, सब चीजें मतलब टीच लाइफ इतनी ईजी रहती है, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज आप बच्चों फैमिली में रहते हो, कभी कोई दिक्कत हुई, होमवर्क में नहीं आ रहा है, मम्मी से पूछ लिया, पापा से पूछ लिया, ठीक है, किसी ने कोई डांट दिया, कोई प्रॉब्लम हुई, आपने पेरेंट्स से शेयर किया, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किए, किए ना, ऐसे ही फैमिली होती है, आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ खड़ी होती है। होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर मन में आ गया, ठीक। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, ओके, यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक। और फिर भी अगर आपको नहीं आया है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। पहली बात आपको चैप्टर को रीड करना, इस वीडियो को देखने से पहले आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड प्लीज बच्चों के साथ बैठें, उनको टाइम दें और उनकी स्टडी में उनकी हेल्प करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।